सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करें। वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से लोन शीट को एक्सेल में कैलकुलेट करते हैं। तो लोन शीट इजीली हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला लगाकर, आज के टॉपिक में देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लोन अमाउंट 1,00,000 रुपये, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ले लेते हैं 9.5%, और ईयर ले लेते हैं 12। यानी कि इसी चीज़ को हम पहले देखेंगे, 12 साल में निकालेंगे और उसी के बाद हम इसी को मंथली निकालेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम 12 साल में लोन देते हैं तो हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और अगर हम इसी चीज़ को 12 महीने में पे कर रहे हैं तो कितना इंटरेस्ट जा रहा है। यानी कि आप अगर लोन शीट निकालना चाहें मंथली तो कैसे निकालेंगे, ईयरली तो कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से हम लोन शीट को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर लोन शीट के लिए सबसे पहले हमें निकालनी होगी ईएमआई, यानी कि अपनी इंस्टॉलमेंट, जिसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है पीएमटी। एक्सेल में ऑलरेडी एक फार्मूला डिफाइन करना होगा आपको, जिसमें नीचे लिखा हुआ है रेट, यानी कि आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है जो आपका रेट का सेल नंबर है, कोमे पे क्लिक करना है, देन आपसे पूछा जा रहा है एन पर, यानी कि कितने साल के लिए आपको लोन देना है, और उसके बाद पूछा जा रहा है प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि हम आने वाली ईएमआई प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको माइनस के साइन के साथ लोन का अमाउंट दिखाई देगा, यानी कि आप जैसे ही ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो आपको जो ईएमआई दिख रहा है वो पर ईयर का ईएमआई शो हो रहा है, इसमें इंटरेस्ट वगैरह सब इंक्लूड है। और ये जो डॉलर का सिंबल दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर कोमे पे क्लिक करके इस सिंबल को हटा सकते हैं। तो ये तो था साल का ईएमआई। अगर हम पूरी लोन शीट को कैलकुलेट करें कि किस तरीके से हमारी लोन शीट निकलेगी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 12 साल के लिए यहाँ पर साल लिख देते हैं, और दूसरी तरफ लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस, देन लिख देते हैं अपना इंटरेस्ट जो कि ओपनिंग बैलेंस पर निकलेगा, इंस्टॉलमेंट थोड़ा सा कॉलम की विड्थ को बड़ा कर लेते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस जो कि हमारा लोन अमाउंट था, हमें क्या करना है, इक्वल के साइन के साथ उस पर क्लिक करना है। उससे क्या होगा, जो भी हमारा लोन अमाउंट होगा, यानी कि हम अगर लोन अमाउंट चेंज करें तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इंटरेस्ट अगर हम निकालेंगे तो हमेशा निकालेंगे ओपनिंग बैलेंस पर। ओपनिंग बैलेंस पर हमारा जो इंटरेस्ट निकलेगा वो निकलेगा 9.5%, यानी कि B2 सेल नंबर। तो हमें क्या करना है, B2 सेल नंबर को फिक्स कर देना है, क्योंकि हमारा हर बार ओपनिंग बैलेंस तो चेंज होगा सेल नंबर का, बट इंटरेस्ट हमारा फिक्स रहेगा। इसलिए कीबोर्ड से आपको सिलेक्शन करके F4 प्रेस कर देना है। यहाँ पर $B, $2, इसका मतलब ये वैल्यू फिक्स हो चुकी है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि हम इस तरीके को अगर ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर देखिए $B7, $B2, यहाँ पर $B8, यानी कि सेल नंबर तो चेंज हुआ है बट हमारी जो रेट की वैल्यू थी वो चेंज नहीं हुई। इस तरीके से आप पूरे 12 साल तक का कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम ड्रैग कर देते हैं क्योंकि ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पर 0 आ रही है। इंस्टॉलमेंट जो कि हम निकाल चुके हैं, यही हमारा हर साल के लिए इंस्टॉलमेंट होगा, तो इसको भी सिलेक्शन करके F4 प्रेस कर देना है और एंटर कर देना है, और इसको भी आप ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हर साल इतना ही जाना है। उसके बाद अगर क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में आपको प्लस करना होगा इंटरेस्ट, क्योंकि हमें ये ब्याज देना है उस साल के लिए, और माइनस कर देंगे इंस्टॉलमेंट, यानी कि आप ओपनिंग बैलेंस और इंटरेस्ट को जोड़ने के बाद जितना पैसा दे चुके हैं वो ईएमआई आप घटा देंगे, तो ये आपका बच जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। यही क्लोजिंग बैलेंस अगले साल के लिए ओपनिंग बन जाएगा।
तो ओपनिंग बैलेंस पहले तो हमारा ये वाला था, बट अब ये जो क्लोजिंग था पिछले साल का, वो हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। यहाँ पर इसी तरीके से आप डबल क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वैल्यू ले लेगा क्लोजिंग बैलेंस की, और यहाँ पर भी आप कॉर्नर पर डबल क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली पूरे 12 साल की ईएमआई के अकॉर्डिंग हमारा लोन शीट बन चुका है, जिसमें लास्ट में आ रहा है ज़ीरो। इसका मतलब 12वें साल में हमारा लोन पूरा के पूरा उतर चुका है। अब अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट वाले सेल के आखिरी सेल पर आपको यहाँ पर ऑटो सम पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 71,825 रुपये, जो आपका ईएमआई लगने पर पूरा इंटरेस्ट आया है 12 सालों का, वो आपका कैलकुलेट होकर आ रहा है 71,825 रुपये 30 पैसे। तो यही चीज़ अगर हम मंथ में निकालें तो किस तरीके से निकालेंगे, ये वैल्यू हम कॉपी कर लेते हैं और नई शीट पर जाकर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर ईयर की जगह लिख देते हैं हम मंथ। तो ईएमआई किस तरीके से हमारी निकलेगी, ईएमआई में फॉर्मूला तो वही रहेगा पीएमटी, बस जो हमारा रेट है उसको हम यहाँ पर डिवाइड बाय 12 कर देंगे, क्योंकि हमें पर मंथ का ईएमआई कैलकुलेट करना है। एन पर हमारा 12 ही रहेगा, देन कोमे के बाद आपको जैसे उसमें माइनस के साथ प्रेजेंट वैल्यू दी थी, यहाँ भी सेम रखना है। यहाँ पर आपका जो ईएमआई आ रहा है वो आ रहा है 8,768 रुपये 35 पैसे। तो कोमे पे क्लिक करके ये करेंसी सिंबल हमने यहाँ से हटा दिया, और यहाँ भी हम लोन शीट कैलकुलेशन करेंगे, बट ये जो होगी लोन शीट हमारी मंथली कैलकुलेशन होगी। यहाँ पर हम लिख देते हैं मंथ 1 से लेकर 12 तक, उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं अपना ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट और क्लोजिंग बैलेंस, सेम एज प्रीवियस जैसा हमने निकाला था। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा जब हम मंथली कैलकुलेशन करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस तो हमारा वही सेम रहेगा जो हमने लोन का अमाउंट लिया था, इंटरेस्ट हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो ओपनिंग पर ही होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर जो रेट है उसको हमें डिवाइड बाय 12 करना है, और ये वाले हिस्से को हमें कीबोर्ड से F4 प्रेस कर देना है, क्योंकि ये चीज़ हमें फिक्स रखना है। इंस्टॉलमेंट हमने निकाला हुआ है जो कि B4 सेल में है, और इसको भी हमें F4 से फिक्स कर देना है, क्योंकि जब हम ड्रैग करेंगे तो वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, उसमें सेल नंबर चेंज नहीं होगा, जिसके लिए हम इसको B4 यहाँ पर डॉलर दिखाई दे रहा है F4 प्रेस करने पे जो शो हुआ था। क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेंगे, इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। यहाँ पर हम इसे फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि हमें रैंडमली B7 से B8, B8 से B9 हर सेल की वैल्यू चेंज करनी है, इसलिए हम इसको यहाँ पर F4 नहीं प्रेस करेंगे, इसको सेम रखेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस जो हमने लिया था उस पर एंटर कर देंगे, और जैसे ही हम डबल क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे, ये ऑटोमेटिकली हमारे इंस्टॉलमेंट पूरी कैलकुलेशन कर देगा 12 महीने के लिए। ये देखिए लास्ट में ज़ीरो आ चुका है, इसका मतलब हमारे पूरे 12 महीने की लोन शीट बन चुकी है। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो ऑटो सम पे जब हम एंटर करेंगे तो 5,220 रुपये हमारा पूरा के पूरा 12 महीनों के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है, जो कि अगर हम कंपैरिजन करें साल में तो वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम लोन शीट को कैलकुलेशन कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।